हेलो एवरीवन, आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन का शामी कोफ्ता। मैंने आधा किलो चिकन का कीमा ले लिया है, एक कप दाल ले ली थी जो मैंने भिगो दी है 10-15 मिनट पहले, हल्की सी ये सॉफ्ट हो गई है। छोटी सी एक प्याज, 1 टेबल स्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून बुरादा करी है, 2 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर है। ये मैंने चने की दाल और कीमे को डाल दिया है कुकर में। अब इसमें 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, बाकी सारे मसाले जो मैंने मिर्च और बुरादा गरी, धनिया पाउडर, गरम मसाला, प्याज, नमक सब लिया, सबको मिक्स कर देंगे। इससे में हम 1 टेबल स्पून दही भी डाल देंगे, मतलब इसमें हम पानी, ये इसमें मैंने पहले एक गिलास पानी डाला, आधा गिलास करीब और डाल देंगे। बस इस तरह से इसमें पानी रहेगा। अब इसमें हम सीटी लगा देंगे। सारे मसाले, प्याज सब कुछ मैंने डाल दिया, पानी डाल दिया। अब इसको ढक देंगे। इसमें हम 4 सीटी तेज आंच पे लगाएंगे और 4 सीटी लो फ्लेम पे। अब हम कोफ्ते की ग्रेवी के लिए मसाला बनाने जा रहे हैं। 4-5 मैंने बादाम लिया है, 7-8 काजू है, 2 हरी मिर्च है, थोड़ा सा मूंगफली दाना है, एक टेबल स्पून बुरादा गरी है, 3 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, 2 टमाटर लिए मैंने जिसको मैंने बॉईल कर लिया है, इसका पेस्ट बना लेंगे, 5 प्याज है, मैंने एक प्याज एक्स्ट्रा लिया अभी कोफ्ते में, इसको फ्राई करके मिलाना पड़ेगा, 2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 2 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। अब हम सबसे पहले प्याज को फ्राई कर लेंगे। ये देखिए कोफ्ते का कीमा एक तरफ हो रहा है, इसमें थोड़ा पानी है, हम इसको पूरी तरह सुखा लेंगे इसका पानी, जब तक दूसरी तरफ हम ग्रेवी रेडी करते हैं। ये मैंने तेल ले लिया है, आधा कप तेल है ये। इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट 2-3 टेबल स्पून है डाल देंगे, इसको अच्छे से 1 मिनट के लिए भून लेंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट को मैंने 1 मिनट भून लिया है। अब 1 मिनट भूनने के बाद इसमें सारे मसाले, लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी मिर्च पाउडर, गरम मसाला, नमक मिक्स कर देंगे, इसको भी हम 10 सेकंड के लिए भून लेंगे। इसके बाद इसमें हम ड्राई फ्रूट्स और टमाटर का पेस्ट भी मिक्स कर देंगे। ये इस तरह से इसको हम 4-5 मिनट तक भून लेंगे। 4-5 मिनट भूनने के बाद फिर इसमें मैंने जो फ्राइड प्याज का पेस्ट बनाया है वो मिक्स करेंगे। 4-5 मिनट मैंने मसाला भून लिया था, अदरक लहसुन और सारे नमक मिर्ची पाउडर गरम मसाला। अब इसमें हम जो मैंने प्याज फ्राई करके पेस्ट बनाया था उसको भी मिक्स कर दें। मैंने फ्लेम को लो ही रखा है, देखिए इस तरह से इसका कलर बहुत ही अच्छा आया है। हम इसको लो फ्लेम पर ही 15 मिनट तक भून लेंगे, बीच बीच में हम इसको चलाते रहेंगे। इसका ढक्कन ढक देंगे 15 मिनट तक, लो फ्लेम पे इसको भून लेंगे। कीमे का पेस्ट मैंने इस तरह से भून कर इतना ड्राई कर लिया है। अब इसको मैं बस एक बार मिक्सर में ग्राइंड कर लूँगी, तुरंत ही बस चला के ऑफ कर दूँगी। ये मैंने इस तरह से इसका पेस्ट बना लिया है। अब इसमें हम 2 टेबल स्पून फ्राई की हुई प्याज है, 1 हरी मिर्च है, थोड़ी सी धनिया की पत्ती है, थोड़ा सा पुदीना की पत्ती है, इसको अच्छे से इसी में मिक्स कर लें। इसमें हम अंडे की सफ़ेदी भी डालेंगे, वाइट पार्ट। बस बोले ना। तरह से हम अंडे का सिर्फ व्हाइट पार्ट इसमें डाल लेंगे अच्छे से, क्योंकि ये कोफ्ते बन चुके हैं।
आप इसमें नमक टेस्ट कर लीजिएगा, अगर कम होगा तो आप थोड़ा सा और मिला दीजिएगा। मिर्ची भी आप अपने हिसाब से मिला सकते हैं। बस अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए मैंने 15 से 20 मिनट इसको भून लिया है लो फ्लेम पे, ढक्कन रखकर। अब ये ग्रेवी इसकी रेडी हो चुकी है। इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद बस इसको एक मिनट के लिए पका के ऑफ कर देंगे। इसकी ग्रेवी रेडी हो चुकी है। अब हम कोफ्ता बनाते हैं। देखिए ग्रेवी रेडी कर ली है मैंने। अब मैं कोफ्ते को, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं पड़ेगा, शैलो फ्राई ही करना है इसको, क्योंकि ये पहले से ही पका हुआ है। आप जिस शेप में भी करना चाहें वो शेप कर सकते हैं। जैसे शेप में क्या है ये, देखिए लो फ्लेम पे ही हम इसको फ्राई कर लो। इसी तरह से हम सारे कोफ्ते फ्राई कर देंगे। ये एक मिनट के लिए फ्राई होगा बस, ज़्यादा देर इसको फ्राई नहीं करना। एक मिनट में दोनों साइड से पक जाएगा। ये देखिए इस तरह से मैंने ग्रेवी को फिर ऑन कर दिया था इसके फ्लेम को। बस आधे मिनट बाद अब इसमें कोफ्ता डाल देंगे। कोफ्ते को पकाना नहीं है, गैस को ऑफ कर देंगे, उसके बाद इसमें डालेंगे, नहीं ये सारे कोफ्ते फूट जाएंगे। 10 मिनट तक ऐसे ही पड़ा रहने देंगे इसी में, उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे। ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी कोफ्ते बने। इसको आप पराठे से, नान से, पुलाव से, किसी भी चीज़ से इंजॉय करिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो आप लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।